What time is it? You know what time it is. It's time to hit that subscribe button. You know just where it's at. Right down there. Right down there. And it's time to follow my Instagram. That's Geekly Amanda. G-E-E-K-O-I Amanda. It's the same on Twitter. Make sure to follow me there too. It's time to get this Russian video started. Alright y'all, what are we on now? Like episode 4? Part 1 of the Vishnupurin? Oh boy, is this not good? Is this not interesting? And I just love, you know, finding out all the history, and you know I can't get enough of it. Well, let's get it started. I mean, we know where it left off. They were searching for the little boy. That king who made the wrong decisions, that done told his other wife off. You know he did, because she was trying to rule some stuff and tell him, you know, oh, you don't love me because you're searching for your other son, blah, blah, blah. And he's like, stop. So we're going to see where it goes now. I can't wait. You ready? Let's do this. Let's go. Mother Earth. Mom. Dharti Ma. Mother Earth. Jeene ke kuch niyam hote hain. कुछ सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करना मानव का कर्तव्य है. That's right. इन्हीं में से एक सिद्धांत यह है principles is... कि पूर्वजों के दिए हुए संस्कार को नई पीढ़ियां केवल इसलिए ना तोड़ें कि ये संस्कार पुराने हैं. That's interesting. इन संस्कारों में से एक संस्कार ये है Father is the master कि पिता of the परिवार family. का स्वामी होता That's... है परिवार का पालन पोषण करके वो भगवान विष्णु का ध्यान निभाता है. परिवार के दुख सुख का ध्यान रखना उसका परम कर्तव्य है. महाराज उत्तानपाद से इसी धर्म को निभाने में चूक हो गई. परिणाम स्वरूप उनके पुत्र को वो कष्ट झेलना पड़ रहा है जिसे देखकर मेरा मन भर आया है. और माता लक्ष्मी ये सोचकर तो दुख और भी बढ़ जाता है. ध्रुव के कष्ट की श्रृंखला न जाने कब समाप्त होगी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Oh, back at the palace. प्रणाम देवी. प्रणाम. हमारे अहोभाग्य कि विष्णु भार्या ने शिवलोक में पधार कर उसे पावन कर दिया. और इस लॉर्ड शिव पैलेस. लेकिन देवी, यदि आप मेरे पति भोलेनाथ के दर्शन के लिए पधारी हैं, तो वो इस समय काशी में विराजमान है. मैं आपसे मिलने आई हूँ. तब तो मैं अपने भाग्य पर जितना गर्व करूँ उतना कम है देवी. मेरी समझ में नहीं आता मैं इतने महान अतिथि का सत्कार किस प्रकार करूँ. ये तो आपकी महानता है जो मुझे इतना सम्मान दे रही है. किंतु सत्य तो ये है कि आज मैं शिवलोक में अतिथि नहीं याचक बनकर आई हूँ. एक विनती लेकर उपस्थित हुई हूँ. विनती? कैसी बातें कर रही हैं देवी? आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए. संपूर्ण संसार जानता है शिव के हृदय में विष्णु वास करते हैं. परंतु देवी, आपको चिंताग्रस्त देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है. मन में चिंता बैठी हो तो मुख दर्पण में उसकी छाया आ ही जाती है. जब कोई माँ अपने पुत्र के लिए चिंता करती है तब वो छिपाई नहीं छिपती. माँ, पुत्र, मैं कुछ समझी नहीं देवी. आप किस माँ और किस पुत्र की बात कर रही हैं? मैं अपने पुत्र की बात कर रही हूँ शिव भार्या. आपका पुत्र? ये कैसी पहेली बुझा रही है देवी? कोई पहेली नहीं है देवी. आप तो जानती हैं ना, मानव लोक के एक छोटे से बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु से मिलने की ठान ली है और इसके लिए वो कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गया है. जानती हूँ देवी, लेकिन वो आपका पुत्र तो नहीं है. अवश्य नहीं है, पर मैं उसे अपना पुत्र मान चुकी हूँ.
उसने भी मुझे माँ कहा है। देवी, यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आपकी आज्ञा सिर माथे पर, आदेश दीजिए। नन्ना ध्रुव घने वन में घोर तपस्या कर रहा है। उस वन में भयानक पशु हैं। मुझे भय है मेरे ध्रुव पे कोई संकट ना आ जाए। देवी, वनराज आपके वाहन हैं, उन पर आपका अधिकार है। मेरे ध्रुव पे कोई संकट ना आए, यही प्रार्थना लेकर मैं आपके पास आई हूँ। बस इतनी सी बात देवी। यदि इसी चिंता ने आपको पीड़ित कर रखा है तो इसे अपने मन से निकाल फेंकिए। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि वत्स ध्रुव पर आंच भी नहीं आने दूंगी। आप कितनी महान हैं, त्रिलोक के सबसे बड़े दानी की आप हृदय स्वामिनी हैं। आपका हृदय इतना विशाल है कि जो भी आपसे सहायता मांगने आता है उसे आप निराश नहीं करती। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे ध्रुव का अमंगल नहीं होगा। आपकी जय हो देवी पार्वती, जय हो। And don't get mad. You know not to get mad. She will protect you with a Mahakali. Look in his lips. Oh Lord, Goddess Parvati's gonna stop him. Goddess Parvati, she's got. Oh, the lion's protecting. सदैव कल्याण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें सदैव सफलता मिले पुत्र, यही मेरी कामना है। सिंहराज, तुम यही ठहरो। पुत्र ध्रुव पर कोई संकट ना आने पाए। भोलेनाथ, ध्रुव को कोई हानि नहीं पहुंची। वो बाल बाल बच गया। मैं सही समय पर वहां पहुंच गई थी। परंतु देव, मेरे आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही ये देखकर कि बालक ध्रुव ने इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी आंख तक नहीं खोली, जैसे कि उसे ज्ञान ही न हो कि वो किन संकटों में घिरा हुआ है। वातावरण से अनजान वो बालक आंखें मूंदे दृढ़ संकल्प के साथ मंत्र जाप करता रहा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है देवी?
ध्रुव का तो अर्थ ही होता है अटल और दृढ़ निश्चय। जो अटल है वो ध्रुव है, जिसे कोई अपने स्थान से डिगा नहीं सकता, वही ध्रुव है। कितने भाग्यशाली होंगे वो माता पिता देव जिनका वो पुत्र है। देवी, भाग्य की परिभाषा सभी अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार करते हैं। बालक ध्रुव के माता पिता अवश्य भाग्यशाली हैं, किंतु ये सत्य अभी तक उन पर विदित नहीं हुआ है। वे स्वयं को इसलिए अभागे समझ रहे हैं क्योंकि उनका पुत्र उनकी आंखों का तारा उनकी आंखों से ओझल हो गया है। तनिक देखिए तो क्या दशा हो रही है उन बेचारों की। How upset she is. And that king. It's his fault. He's still mad at him. He knows it's his fault. I'm glad he's at least with her. Looking for him. Don't he have a lot of people at the castle? Why couldn't he get all them searching for him too? What's wrong with her? से तड़प रहे हैं, परंतु हम तुझसे अपनी प्यास कैसे बुझाएं? ना जाने हमारे लाडले पुत्र ध्रुव की प्यास तूने बुझाई है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुझसे अपनी प्यास बुझा लें और हमारा पुत्र तेरी एक एक बूंद को तरसता रहे। हम अपनी प्यास बुझाकर ऐसा पाप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। How are you gonna go on thirsty to find your son? She's gone talking sense into him. करके तो हम धन्य हो गए। न जाने कब से हमारी आंखें आपके दर्शनों की प्यासी थी। आंखों की प्यास यदि बुझ गई हो तो अब आप जल से अपनी प्यास बुझाएं। जल ग्रहण कीजिए राजन, आप भी। गो ऑन एंड फाइंड योर सन। कैसे ग्रहण करें जब से हमारा पुत्र राजमहल छोड़ के गया है। भूख प्यास सब मिट गई हमारी, न जाने कहाँ होगा, कैसा होगा, उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हम। राजभवन का पाला हुआ, न जाने किन मार्गों में ठोकरे खा रहा होगा वो। आपका पुत्र भगवान विष्णु की खोज में निकला है। जो भगवान की खोज में निकलते हैं, जिनके मन में वो रम जाते हैं, उन्हें भगवान अपनी अनुकंपा की छत्र छाया में ले लेते हैं। संसार की कोई भी विपदा
उन्हें छू भी नहीं सकती। मैं ये तो नहीं बता सकता देवी, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूँ वह जहाँ भी है सुरक्षित है। क्या हम उसे मिल सकते हैं देव ऋषि? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ध्रुव भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी से मिलना नहीं चाहता। फिर आप उसे कैसे मिल सकते हैं? हे देवर्षि, क्या हम उसकी एक झलक भी नहीं देख सकते? नहीं देवी, ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? इसलिए क्योंकि उसे स्वयं भगवान विष्णु की एक झलक देखने की धुन है, इसलिए आप उसे देख ना पाएंगी। मेरा परामर्श मानेंगे राजन? आज्ञा दे प्रभु। आप अपनी राजधानी लौट जाइए। यह संभव नहीं है देवऋषि। मैं प्रण करकर निकला था कि लौटूंगा तो ध्रुव को साथ लेकर, नहीं तो मैं भी नहीं लौटूंगा। नारायण नारायण महाराज उत्तानपाद, आप भी विचित्र प्राणी हैं। क्यों प्रभु? आपने तो मानो ठान ली हो कि जीवन भर वही करेंगे जो दूसरों के लिए कष्टदायक हो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैंने तो कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। किसको नहीं पहुंचाया? कौन सा धर्म निभाया आपने जिससे दूसरों को सुख मिले? मैं आपका कटाक्ष समझा नहीं प्रभु। कटाक्ष नहीं, ये सत्य है राजन। सबसे पहले आप पति धर्म भूले। That's right. आपने सुंदरता में अधिक रुचि ली, नीति को महत्व right. नहीं दिया। सुंदर सुरुचि को पाकर आप सुशील सुनीति को भूल गए। आपने पिता का भी धर्म नहीं निभाया, इसलिए आज आपके जिस पुत्र को आपके स्नेह की छाव में होना था वह इस झुलसाती धूप में भटक रहा है। tell him, Narayane, Narayane. अपनी प्रजा को कष्ट देकर आप एक राजा के धर्म से भी विमुख होना चाह रहे हैं। परंतु प्रभु, मैंने प्रजा को तो कोई कष्ट नहीं दिया है। कैसे नहीं दिया? राजकाज की बागडोर और अपनी प्रजा के हित को एक स्वार्थी नारी की दया पर छोड़कर आप समझते हैं कि आपने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है? परिवार की समस्या में पड़कर अपनी प्रजा के हित को भूल जाए उसे राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुंदरता में आप ऐसा फंस कर कि धर्म का मार्ग ही भूल गए। जब एक व्यक्ति भटकता है तो केवल वही व्यक्ति भटकता है, किंतु जब एक राजा भटकता है तो पूरा देश भटक जाता है, राष्ट्र भटक जाता है। आप सत्य कहते हैं प्रभु। Of course he's right. परंतु मेरे लिए अपने पुत्र को भूल पाना संभव नहीं। मैं राजा अवश्य हूं पर पिता भी तो हूं। यही तो वो सत्य है राजन, जो एक साधारण व्यक्ति से राजा की और एक राजा से साधारण व्यक्ति की पहचान अलग करता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए उसका परिवार ही उसका संसार है, किंतु एक राजा के लिए उसकी प्रजा ही उसका परिवार है। और आप अपने परिवार को भूल गए हैं। अब भी समय है राजन, अपनी भूल का प्रायश्चित कर लीजिए, घर लौट जाइए। देवर्षि, आप तो मेरे पूज्य पितामह हैं, सृष्टि के सबसे महान पथ प्रदर्शक हैं। आपने तो सदैव ही भटकों को मार्ग दिखाया है, आपने मुझे भी धर्म का मार्ग दिखाया है। मुझे मेरी भूल बताकर आपने बड़ा उपकार किया है। प्रणाम है आपको, बारंबार प्रणाम है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके मैं अपने परिवार अपनी प्रजा के पास वापस लौटता हूं। नारंदे चलिए महारानी। What's gonna happen now? What if he's gonna return? Look at him. चलो
माता पिता को तो सद्बुद्धि मिल गई। अब देखें ध्रुव की स्थिति क्या है। What? नारायण नारायण All right, we're gonna stop there because it's already almost halfway through this one. Told that king, because I mean, does that king just not keep making the mistakes? First, you know what he did, look at that one wife, listening to her, abandoning his other ones and the kids. Now his son is gone, so now his dad had to tell him like the mistakes he made in the first wife, so now he go and search him, but then he's just forgetting about his kingdom. This king has made so many mistakes. But I guess, you know, that's how humans are. We make mistakes, we continue to make them, but we have to listen to our guides to guide us in the right direction. I want Narande to show up for me. What would you do? Just show out of nowhere. I wouldn't act like them. They were like, oh, thank you for blessing me. I would probably first faint. I'd be like, when I woke up, I'm like, I'd probably faint again. I'd probably scream. I don't know what would y'all if he just showed up. I don't know what I would do. But I hope they do. You're going to show up now when I'm on camera? All right, y'all. Let me know what you think about this one. We'll do the next part coming soon. Next part of episode 4. Let me know what you think. Though comments and thumbs and all that down there. Until next time. Mwah.